नो पार्किंग बोर्ड है नो पार्किंग बोर्ड, और इधर बस आने जाने के लिए बड़ा गेट बनाया है सर, पूरा बाइक लगाते रोड के ऊपर। DCP ट्रैफिक वाले भी आँख खोल के देखिए, ट्रैफिक वाले सिर्फ पैसा लेना पता है गाड़ी को रोड के बीच में पकड़ के, बट ये ट्रैफिक क्लियर करना और पार्किंग नहीं होना मॉल के सामने, ये आप देख रहे नहीं देख रहे। मॉल का ओनर फिल वक्त राघवेंद्र महिलापुर, उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, बिल्डिंग का काम पहले चालू किया मॉल का, करके उन्होंने 4 साल के पहले ही बिल्डिंग का काम खत्म किए सो है। ओनर उनका खुद का क्या बोलते इनकम के लिए, खुद का लालच के लिए मॉल का बिल्डिंग पहले बनाए, अधिकारी लोगों को रिश्वत दिए, रिश्वत देने के बाद उनका किराया अभी फिल वक्त 1 करोड़ का ऊपर महीना किराया था, बट ये KKRTC का बस स्टैंड का काम अधूरा रखे और बस आना जाना भी सपना ही रहा लोगों का। KKRTC वाले क्या थॉट, बेंगलुरु का थॉट रख के इधर बनाए ना, वो टूटा फेलियर होए, और वो बस आना जाना है ना उधर भी पूरा बाइक लगाए कार लगाए, और ये जियो का है देखो, ये जियो का पूरा लोडिंग अनलोडिंग कर रहे, इधर ही स्टाफ काम कर रहे, वो छोड़ के भी 4-5 गाड़ी लगाए सो। नो पार्किंग बोर्ड और इधर बस आने जाने के लिए बड़ा गेट बनाया है सर, पूरा बाइक लगाते रोड के ऊपर, उधर भी लगाते बाइक, लोगों के लिए बहुत तकलीफ है नो पार्किंग होते हुए अंदर बस अच्छा जाके बस ऐसा आना बोल के बनाया सो है। ये सचिव बहुत ही अनलोडिंग करने के लिए रिलायंस जियो का गाड़ी कर रहे हैं, पूरा लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए DCP ट्रैफिक वाले भी आँख खोल के देखिए, ट्रैफिक वाले सिर्फ पैसा लेना पता है गाड़ी को रोड के बीच में पकड़ के, बट ये ट्रैफिक क्लियर करना और पार्किंग नहीं होना मॉल के सामने, ये आप देख रहे नहीं देख रहे, आँख बंद करके डे में इवनिंग में आप सो जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ट्रैफिक DSP सर अलर्ट होके उनका टीम को ये कल से कौन सा भी गाड़ी नहीं लगाना ये मॉल के सामने, रोड दोनों से का ब्लॉक है, लोग कैसा फिरना, एक्सीडेंट हो तो आप जवाबदार है क्या, हम जल्द से जल्द इश्यू सॉल्व करना बोल के ट्रैफिक वाले को भी डिमांड करते हैं। पब्लिक को मेरा नमस्कार और सलाम, मैं शरण IT आम आदमी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट। आज हम कल्याण कर्नाटक रीजनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है ना, उसके बाजू बिल्डिंग है ऑर्चिड मॉल पे है, ये ऑर्चिड मॉल है ना ये KKRTC का जगह है, ये KKRTC कल्याण कर्नाटक रीजन में सेकेंड बिगेस्ट डिपार्टमेंट है, इधर थाउजेंड्स ऑफ बसेस उसके इलाके डिपार्टमेंट में रन होते हैं, और थाउजेंड्स टुगेदर कंडक्टर ड्राइवर मैकेनिक्स और स्टोर कीपर सभी काम करते हैं। उसके अलावा ये जगह है ना बड़ा जगह, एकर्स टुगेदर जगह है ना ये जगह, हाँ कई सालों के पीछे एक गुलबर्ग के मशहूर बिजनेसमैन राघवेंद्र महिलापुर उनका कंपनी के साथ वेंचर किए सो है, कौन KKRTC वाले क्या अग्रीमेंट किए उनके साथ MOU किए बोले तो 30 साल ये बिल्डिंग बना लेना उन्होंने सामने का जगह पे कमर्शियल, और पीछे का जगह पे उनका हेड ऑफिस है ना बाजू, ये बिल्डिंग के बाजू वो हेड ऑफिस पे हेड ऑफिस का बिल्डिंग बना के देना, और इधर बड़ा बस स्टैंड बना के देना बोल के MOU करके अग्रीमेंट किए। अग्रीमेंट होने के बाद इधर के ओनर क्या बोलते मॉल का ओनर फिल वक्त राघवेंद्र महिलापुर, उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, बिल्डिंग का काम पहले चालू किया मॉल का, करके उन्होंने 4 साल के पहले ही बिल्डिंग का काम ख़त्म किए सो है, बट ये अभी ऑफिस देख रहे हैं आप, इधर ऑफिस का काम अभी इनकम्प्लीट है, कौन सा KKRTC का हेड ऑफिस, और बस स्टैंड होना था एक बड़ा बस स्टैंड वो भी काम अधूरा है, और वो छोड़ के भी अलावा इधर बस चलना ये बाजू रोड दिख रहा नहीं इतना बड़ा 80 फीट रोड इधर और उधर बाजू से बस आना और इधर से बस वापस जाना लोगों के लिए कन्वीनियंट होना, ये सेंटर ऑफ द सिटी है बेंगलुरु में, कैसे शांतिनगर सेंटर ऑफ सिटी में कैसे नीचे बस आना जाने के लिए रोड्स बना के बस स्टैंड बनाए, ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के MOU करके दिए ना, वैसे ही थॉट आके इधर KKRTC वाले MOU करके बना के लोकल बिल्डर को और बिजनेसमैन को दिए सो है, बट इधर बहुत बड़ा करप्शन हुआ सो है, कब से
तब से हाँ कब एमओयू हुआ तब से लेकिन अब तक हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। क्यों बोले तो इधर बस स्टैंड का काम पक्का होना और बिल्डिंग का काम पक्का होना और मॉल भी एक ही साथ चालू होना बोल के एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशन पे है। बट ओनर उनका खुद का क्या बोलते इनकम के लिए, खुद का लालच के लिए मॉल का बिल्डिंग पहले बनाए, अधिकारी लोगों को रिश्वत दिए, रिश्वत देने के बाद उनका किराए अभी फिल वक्त 1 करोड़ का ऊपर महीना किराया आता। इधर बहुत बड़ा ब्रांडेड ऑर्चिड मॉल में रिलायंस हो, रिलायंस सुपर बाजार, रिलायंस जियो मार्ट, पाई इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरियन सलून स्पा है और सुपर बाजार है, आईमैक्स थिएटर है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड आए ऐसे है कलबुरी का। ये मॉल में बहुत बड़ा कमर्शियल रेट भी है उनका, रेंटल 1 करोड़ के ऊपर टोटल कलेक्शन होता मंथली। हाँ ये कलेक्शन उन्होंने 4 साल से चालू किए, अब तक 50-60 करोड़ कलेक्शन भी किए, बट ये KKRTC का बस स्टैंड का काम अधूरा रखे और बस आना जाना भी सपना ही रहा लोगों का। लोग इतने चाहते हैं हमारे को गवर्नमेंट से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए बोल के, बट ये KKRTC वाले क्या थॉट बेंगलुरु का थॉट रख के इधर बनाए ना, वो टूटा फेलियर होए। हाँ और इससे पहले 3 IAS ऑफिसर आके गए रिसेंटली। अभी ये मॉल का है ना वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन वायलेशन हो रहा, और ये पार्किंग सिस्टम है ना, इधर का पार्किंग सिस्टम देख रहे 80 फीट रोड, इधर सैटरडे संडे फुल पैक है। अभी हम बात किए सिक्योरिटी वाले को और वो बस आना जाना है ना उधर भी पूरा बाइक लगाए, कार लगाए, और ये जियो का है देखो, ये जियो का पूरा लोडिंग अनलोडिंग कर रहे, इधर ही स्टाफ काम कर रहे, वो छोड़ के भी 4-5 गाड़ी लगाए सोए, मैं खुद देखा हूँ आँखों से डेली 10-15 गाड़ी खाली होता सुपर बाजार के लिए, जियो मार्ट के लिए। हाँ और इन अंडरग्राउंड में पार्किंग बनाए से ऑलरेडी, उधर पार्किंग होना है, उधर ही अनलोडिंग होना है, ये छोड़ के वायलेशंस कर रहे हैं। उसके अलावा भी पार्किंग का अमाउंट टोटल महीना 4-5 लाख रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, इधर बस का जगह पे लगा के इधर उधर और गेट के सामने रोड के सामने लगा के, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा रोड पर फिरने के लिए। और ये 4-5 लाख कलेक्शन हुए सो KKRTC के वेरियस ऑफिसर्स एंड ये बिल्डिंग का मालिक है ना मिल बांट के खा रहे, ये हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं। 4-5 महीने पहले का तब आज आपका DC है ना, उन्होंने MD थे, तब हम उनको मिल के मेमोरेंडम दिए थे, मैं और MS पाटिल नरीबोल, उन्होंने कल्याण कर्नाटक के एक होराटागार है, मिल के देने के बाद 48 आवर्स में ये पार्किंग बंद करा के गेट बिठा के दोनों जगह अंदर पार्किंग करने नहीं दिए और बस आने जाने का व्यवस्था किए थे। हम वो आभारी है उस दिन का काम के लिए। बट अभी फिर KS ऑफिसर आए, उनका चाल चालू है और अध्यक्ष का चाल चालू है, ऐसा करके एक बड़ा सेकंड हाईएस्ट कल्याण कर्नाटक में बड़ा इलाका है ना, उसको लूट मार कर रहे हैं। हमारा मांग है कि आम आदमी पार्टी का मांग है कि पहले मॉल को ताला डालो, MOU में क्या क्या मेंशन है वो एग्जीक्यूट होने तक ताला डालो, ताला डाल के ये कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए KKRTC का ऑफिस, और बस इधर बस स्टैंड पक्का बस स्टैंड होना हाईटेक, वो बस आने जाना चालू होना, तब तक मॉल का लॉक डालना, और तब भी वो लोग क्या बोलते हैं बिजनेस बिग पर्सनालिटीज ठीक होते, नहीं तो ये ठीक होने का नहीं है।